सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जेजी फैफ। इट्स बॉय जेजी बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। तो बाबा जी, जैसे कि आप लोगों को पता है, आज है हमारा संडे और संडे को आती है हमारी स्टोरी टाइम वीडियो। तो यार, स्टोरी टाइम वीडियो में मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था, आपके भाई का हुआ था बाबा जी एक्सीडेंट छोटा मोटा सा। तो मैंने कहा था मैं उसके बारे में बताऊंगा आप लोगों को कि उसकी वजह से वीडियोज़ वगैरह नहीं थी आ रही। लेकिन मेरे साथ कल कुछ ऐसा सीन हुआ बाबा जी कि मेरा जो माइंड एकदम चेंज हो गया। तो मैंने सोचा कि यार, ये जो है ना हम लोग चीज़ जो मेरे साथ कल हुई है, ये मुझे डिस्कस करनी चाहिए, आप लोगों को बतानी चाहिए स्टोरी टाइम वीडियो में। क्योंकि यार, ये मेरे ख्याल में एक ऐसी चीज़ है जो आप लोगों के साथ भी कभी ना कभी हुई होगी। जिनके साथ हुई है ठीक है, वो उन्होंने मुझे यहाँ पर भाई कमेंट बॉक्स में बताना है, आप लोगों ने अपना एक्सपीरियंस बताना है और अपनी स्टोरी मुझे थोड़ी बहुत बतानी है यार कि यार जैसे भाई हमारे साथ ये सीन हुआ था। तो अगर जिनके साथ नहीं हुआ तो हो सकता है आप लोगों के साथ कल को हो जाए, परसों को हो जाए, कभी भी हो सकता है। क्योंकि यार ये चीज़ जब मैंने एक्सपीरियंस की, मैंने कुछ लोगों से डिस्कस की, फिर उन्होंने भी कहा हाँ यार ये हमारे साथ भी हुआ है। तो मैंने जहाँ तक नोटिस किया कि यार ये एक ना एक मरतबा हर बंदे के साथ हुआ है। तो यार सीन ऐसा था कि यार मैं जिस चीज़ के लिए हाइप क्रिएट कर रहा हूँ, फाइनली उस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो यार सीन कुछ ऐसा था कि मैं गया था बाज़ार गया था मैं कुछ सामान लेने के लिए। तो अब मेरे पास जो थे पैसे थे बाबा जी पूरे 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 मतलब समझते हो लिमिटेड से थे। तो यार मैं गया बाज़ार सामान लेने के लिए। जब मैं सामान वगैरह ले रहा था, यहाँ पर आप लोगों को बताओ लाहौर टाउनशिप अगर की रहता है तो मुझे बताओ कि मैं बाबा जी टाउनशिप गया, वहाँ पर एक मशहूर है आइसक्रीम वाला, ठीक है। अब मैं उसकी शॉप के आगे से गुजर रहा तो मेरा ना बड़ा दिल किया कि यार आइसक्रीम खाऊं। मैंने कहा बड़ा टाइम हो गया आइसक्रीम खाए हुए। लेकिन आप लोगों को पता है मेरे पास पैसे पूरे पूरे थे, मेरे पास सामान के जितने पैसे थे। तो मैंने जो है अपने बाबा जी, मैंने अपने दिल पे हाथ डाला और मैंने कहा छोड़ो यार, फिर कभी से अभी नहीं आइसक्रीम खा सकते, अभी पूरे पूरे पैसे हैं, तो फिलहाल जो है ना मिस करो आइसक्रीम को, सामान लेते हैं और घर चलते हैं। तो मैंने वही काम किया। लेकिन मेरा दिल अंदर से बाबा जी बहुत बहुत था, मतलब आप कह लो कि बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था उस दिन, आप कह लो कि क्रेविंग हो रही थी मुझे आइसक्रीम की। हालांकि कभी मुझे इस तरह से आइसक्रीम मैंने मुझे इतनी खास पसंद नहीं है आइसक्रीम, लेकिन उस दिन पता नहीं आप कह लो अजीब से मुझे ना क्रेविंग से हो रही थी कि यार आइसक्रीम खाऊँ। लेकिन मैंने फिर भी मिस करा दिया और मैं वहाँ से चला गया घर, सामान सामान लेके मैं घर चला गया। और उसके बाद आकर के तो मैं यहाँ पर जो है वीडियो की तैयारी छड़ी करने लग गया। मैंने यहाँ पर गेम प्ले शेम्प्ले वगैरह डाउनलोड करके इसकी मतलब एडिटिंग छोटी मोटी जो होती है यार एडिटिंग करते कराते। उसके बाद खाना आ गया, खाना खाते खुदे और मेरे एक दो छोटे मोटे काम, मैं वो मतलब काम करते कराते तो मुझे टाइम हो गया यार मगरिब का। अब जब मगरिब का टाइम हुआ ना, तो मगरिब के टाइम मेरा ना दोबारा दिल से ना दिल में आया, मेरे पास तब से 80 रुपये, ठीक है। मैं उससे पहले सामान लेने गया था ज़रा बाज़ार, ये पास में दुकान जैसे सामान लेने गया था, तो उसमें से घर के पैसों में से बचे थे कुछ 80 रुपये। सो भाई जो 80 रुपये मेरे पास है, मैं सोचा कि इनमें अब डालते हैं कोई 150 और चल के खाते हैं आइसक्रीम। फिर मैं सोचा कि यार ये आइसक्रीम अकेले खाने का मज़ा मज़ा कोई नहीं है, तो ये मज़ा मैंने कहा दोस्तों के साथ ही क्या करूँगा मैं वहाँ जाके आइसक्रीम खा के अकेला। तो मैं सोचा कि यार मैं ना पकड़ता हूँ किसी दोस्त को साथ और चल के तो खत्म आइसक्रीम। तो यार फिर मेरे जहन में आया कि यार बाइक में पेट्रोल भी थोड़ा है, तो ये 80 रुपये तो चल जाने पेट्रोल में। मैंने कहा जाके मैं आगे से पेटे भरूंगा आइसक्रीम के, दोस्त के सोचूंगा कि हाँ भी चल मुझे आइसक्रीम खिला। तो यार मैंने कहा अच्छी बात नहीं है। तो मैंने फिर दोबारा से यार एक मरतबा आपको, यार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ मेरा कभी मुझे आइसक्रीम इतनी कोई खास पसंद नहीं है, लेकिन कल अजीब सी क्रेविंग सी थी और मुझे बहुत टाइम हो गया था आइसक्रीम खाए हुए। ये तो मैंने सोचा कि यार फिलहाल मिस करो यार, मैंने कहा एक आइसक्रीम के पीछे अगले के पेटे जाकर पड़ना कोई अच्छी बात नहीं है। तो मैंने यार दोबारा से आइसक्रीम का कराया मिस, हालांकि अंदर से दिल मेरा बहुत था आइसक्रीम खाने का। उसके बाद गाइज एट दैट पॉइंट, इस पॉइंट पे मेरे दिल से एक बात निकली कि यार अली क्या तुझे हो गया यार, एक आइसक्रीम के पीछे तू कैसी, तेरा सुबह से दिल कैसे ललचा रहा है आइसक्रीम के पीछे। तो मैंने कहा फारिक कराओ यार, नसीबों में भी तो खा, मैंने कहा नसीबों में होती तो मिल जाती, अब नहीं है तो नहीं सही। मैं ये बात जो है मेरे दिल में आई अल्लाह की तरफ से, और मैं ये सोच के तो अपने मैंने देखा कि यार अब बज रहे हैं 10-11, मैंने कहा बज रहे हैं तो अपना अपना काम सारा वाइंड अप करें। मैं यहाँ पर कर रहा था अपने यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट पे काम, यहाँ पर हमारा वेबसाइट वेब डेवलपमेंट डिज़ाइनिंग HTML और यहाँ पर जो है जावा के यहाँ पर थोड़ा बहुत काम था, तो मैं वो काम अपना कर रहा था। मैंने कहा यार ये करके ना वाइंड अप करके तो सोते हैं, क्योंकि वीडियो का यहाँ पर मैं वीडियो की तरफ मेरे पिछले 2-3 दिनों से मैं बस रिसर्च करूँ इसके ऊपर, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया अनबाइड लॉग आउट वगैरह पे, तो वीडियो मैं नहीं बना रहा क्योंकि यार वीडियो बनाने का ना मुझे अभी टाइम नहीं था मिल रहा और मैं अपने प्रोजेक्ट्स में बिजी था। तो मैं सोचा कि यार ये जो है ना अपना काम है वाइंड अप करते हैं, और बज गए 10-11 रात के बज गए थे, तो मैंने कब चल के ना सोते हैं। तो यार मैं भी यहाँ पर अपना सारा काम जल्दी जल्दी निबेड़ ही रहा था कि अचानक बजी मेरे घर की बेल।
अब मेरे घर की बाबा जी बैल बजती है, मैं बाहर देखता हूँ मेरे तीन दोस्त आए हुए हैं, ठीक है, और तीन दोस्त बाबा जी आए हुए हैं और एक ने हाथ में आइसक्रीम पकड़ी हुई है, ठीक, एक ने हाथ में आइसक्रीम पकड़ी हुई है। और जब मैं नीचे जाता हूँ तो कहते हैं कि अली भाई हम आइसक्रीम खाने गए थे, तो हमने सोचा यार पिघली हुई आइसक्रीम मेरे लिए लेके आ गए। सो गाइज वो आइसक्रीम भी उसी जगह से लेके आए, सेम उसी जगह से लेके आए जहाँ से मेरा सुबह के टाइम खाने का दिल था। अब जो लोग लाहौर रहते हैं, अब मैं उनको बताता चलूँ कि मेरा घर है कॉलेज टाउन के बिल्कुल एंड में जाके, ठीक है, जो आखिरी चौक है ना मजाइल चौक, वहाँ पर मेरा घर है। जो बंदे यहाँ पर लाहौर के उन्हें पता होगा कितना सारा डिस्टेंस बनता है। और जो आइसक्रीम वाला बैठा था टाउनशिप में, अब वो लोग गाड़ी में एसी ऑन किया हुआ बाबा जी उन्होंने, तो इसलिए आइसक्रीम की कुछ बचत हो गई थी। यार वो टाउनशिप से आइसक्रीम लेकर के आए यहाँ पर मेरे घर मजाइल चौक, और उन्होंने ला के मुझे पिघली हुई आइसक्रीम, अब कह लो सब ही पिघली हुई आइसक्रीम उन्होंने मुझे दी। और उस टाइम जब मैंने आइसक्रीम की पहली बाइट ली बाबा जी, फिर मेरे दिल से एक ही बात निकली कि हाँ मैंने को ऊपर ज़ात बैठी हुई है। तो यार उसके जो फीलिंग थी ना उस टाइम मुझे आइसक्रीम और अपनी क्रेविंग वगैरह भूली हुई थी, और मुझे बस ना अल्लाह की ज़ात याद आ रही थी। तो हालांकि मैं ये सोचा था कि मेरा ना कभी इस तरह आइसक्रीम खाने का दिल किया है, और ना ही मैंने कहा ना मुझे आइसक्रीम को इतनी पसंद है जिस तरह से मुझे आज इसकी क्रेविंग हो रही थी, और रात के टाइम एंड में जाके मुझे आइसक्रीम मिल जाना। तो फिर यार आप लोगों को पता है फिर बंदे के जहन में ये बातें आती हैं कि यार ये कोई एक कोइंसिडेंस नहीं होते। तो उम्मीद है यार यही मेरी आज की स्टोरी टाइम वीडियो थी, स्टोरी थी मेरी आप लोगों के साथ भी। यहाँ पर इस ये चीज़ ऐसी है जो मैंने नोटिस किया कि हर बंदे के साथ आज तक मतलब एक ना एक मरतबा हुई है। मैं जितने बंदों से भी बात डिस्कस किया उन्होंने ये कहा कि हाँ यार मेरे साथ भी एक मरतबा हुआ था, उन्होंने अपनी अपनी स्टोरी शेयर की। तो मुझे उम्मीद है यहाँ पर आप लोगों के साथ भी कभी ना कभी इस तरह का सीन हुआ। सो गाइस अगर आप लोग साथ इस तरह कोई सीन हुआ है तो यहाँ पर मेरे साथ करो शेयर, कमेंट बॉक्स में शेयर करो सभी के साथ, सारे अपने अपने यार यहाँ पर जो एक्सपीरियंसेस वगैरह अपने शेयर करो, अपनी स्टोरी शेयर करो, और जिनके साथ नहीं हुआ वो भी बताओ कि आप लोग यार ये मेरा एक्सपीरियंस सुन के आप लोगों को कैसा लगा। तो यार ये अब मोरल ऑफ द स्टोरी है, मैंने जैसे कि आप लोग कहा था मैं स्टोरी टाइम में सिर्फ वही वीडियोज़ वगैरह वही चीज़ें लेके आऊँगा जिसमें आप लोगों को भी कुछ सीखने को मिलेगा। तो यार मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम अल्लाह को बेशक भूले बैठे हैं, हम लोग को सिर्फ अल्लाह दुख दर्द तकलीफ में याद आता है, उसके अलावा यहाँ पर हमें मोस्टली लोगों को अल्लाह याद नहीं है, ठीक है, लेकिन अल्लाह पाक ऐसी ज़ात है वो हमें याद रखती है, उसे पता है कि मेरा बंदा है उसका क्या दिल है क्या नहीं। अब ये देखो ये कोई कॉन्फिडेंस नहीं था कि मेरा अचानक से आज तक मुझे बहुत अरसा हो गया आइसक्रीम खाए हुए, ठीक है, मेरा कल तक कभी इस तरह से दिल नहीं था कि आइसक्रीम खाने के लिए, एक आप कह लो कि एक नशा सा फील हो, एक आप कह लो कि क्रेविंग सी हो रही थी, मुझे आज तक इस तरह का नहीं था हुआ, लेकिन कल ही इस तरह से क्रेविंग होना और मेरा कोशिश में कि यार ना ऊपर से मेरे साथ पास पैसे होना, और आखिर में मेरे दिल से दुआ निकलनी कि नसीबों में होती या फिर बात निकलनी कि नसीबों में होती तो मिल जाती, और उसके बाद अचानक से रात के टाइम बाबा जी आइसक्रीम का प्रकट हो जाना थ्रू मेरे दोस्तों के। तो यार ये कोइंसिडेंसेस नहीं है, ये मैं आप लोगों को बताया कि ये अल्लाह पाक ने फरमाया हुआ कुरान पाक में कि अकल वालों के लिए निशानी है। तो यार हमारे लिए यही निशानी है, जो लोग अकल वाले हैं उनके लिए यही निशानी है यार, और कौन सी निशानियाँ होंगी। तो यार मैं जानता हूँ ये ज़रा आज की मेरी स्टोरी टाइम वीडियो ज़रा और मेरी बातें थोड़े से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गई हैं। तो यार ये फ्री फायर गेमिंग वगैरह ये हमारी लाइफ जो है हमारी दुनियादारी ये सब अलग एक अगर हम इसको एक तरफ कर दें, एक साइड में हम लोग आज की वीडियो में बिल्कुल इन सब चीज़ों को एक साइड कर दें, तो यार मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि मैं भी कोई नमाज़ें नहीं पढ़ता, मैंने पता नहीं कब आखिरी मरतबा नमाज़ पढ़ी है, जो आप लोगों को मैं एक हकीकत बात बताऊँ, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि यार मैं किस तरफ जा रहा हूँ। तो मैं भी आप लोगों को यही कहूँगा कि यार जो लोग यहाँ पर नमाज़ रोज़ा कुरान करते हैं तो अल्लाह पाक उनको मज़ीद की मज़ीद नेकियों की हिदायत दे, और जो मेरी तरह उनको भी अल्लाह पाक जो है नेकी की हिदायत दे, अल्लाह उनको अच्छे राह पे उनको बुरी चीज़ों से बचाए और अच्छे राह पे लेके जाए। आई नो यार ये बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, लेकिन यार मुझे लगा कि आज की वीडियो में या फिर इस चीज़ पर बात करना ज़रा ज़रूरी लगा मुझे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ बात कर लूँ, और ये मेरी दिल की बातें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, और मैं सोचता हूँ कि आप लोगों के ऊपर भी इस चीज़ का कोई ना कोई फ़र्क पड़ेगा, आप लोगों की भी मेरी बातें समझ में आएंगी, और हो सकता है कि यार मेरी इन बातों से किसी बंदे की मतलब कि बंदा एक बुरी आदतों से हट करके तो अल्लाह की तरफ एक किसी का अल्लाह से एक बाउंड बन जाए, तर मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो यही मेरी कोशिश थी कि हम लोग जो है ये गेम्स वगैरह ये गेमिंग फ्री फायर ये हमारी जो कम्युनिटी और ये बाकी हमारी दुनियादारी हर चीज़ भी हम लोग को करनी चाहिए, मैं ये नहीं कहता हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन देखो हमें अल्लाह पाक भूला हमें अल्लाह भूला हुआ है, ठीक है, लेकिन देखो अल्लाह ने हमें याद रखा हुआ है। अगर अल्लाह को मैं याद ना होता तो कल तो उससे मतलब ये जो मेरी कल आइसक्रीम यार कोई चीज़ नहीं छोटी सी चीज़ है आइसक्रीम, लेकिन मैं कल एक आइसक्रीम नहीं था खा पाया और एंड में रात में मैं आप कह लो कि मायूस होकर सोने वाला था, और उसी टाइम ही मतलब आइसक्रीम आ जाना, यार ये कोइंसिडेंस नहीं होता, ठीक है, ये निशानी है हमारे लिए निशानी है। और मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि आप लोग जो है अगर अल्लाह पाक ने हमें याद रखा हुआ है तो हम लोग भी अल्लाह को याद करें।
तो यार यही थी हमारी आज की वीडियो। होप सो कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसमें बहुत बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बातें होगी है, लेकिन अच्छी बातें हो गई हैं यार, बहुत अच्छी बातें हो गई हैं। और हो सकता है मेरी इस वीडियो से किसी के दिल में कोई बात उतर है और कोई बंदा जो है किसी का अलग साथ अच्छा बॉन्ड बन जाए। यार अल्लाह पाक हम सबको नेकी की तौफीक दे और हम लोग को हदायत दे, हम लोग को नमाज पांच वक्त नमाज बाजमात पढ़ने की जो है हदायत दे, और हम लोग को अल्लाह अच्छे राह पे लेके जाए, हम लोग को बुराई से और बुरे राह से बचाए। आमीन सुम आमीन। अब सब ने बोला कमेंट्स में। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़।